तो ये है जी जिम कॉर्बेट की मॉनसून सफारी। कैसे बात आज हो रही है, असली मानसून सफारी। देखो बाहर का नजारा, अब आ गया भाई बाहुबली। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी काफी सही हूँ। तो आज हम आए हैं जंगल सफारी करने और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और मॉनसून में हमारी फर्स्ट सफारी होने वाली है। तो हमने चूज किया है ढेला जोन। आधे टाइम तो लग रहा था कि यार मतलब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हल्द्वानी से 4 बजे निकले थे और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी हल्की फुल्की, लेकिन अभी वेदर काफ़ी सही है। तो गेट पर हम पहुँच चुके हैं और गाड़ियाँ भी जाने लग गई है, तो अब देखते हैं आगे जाके कैसी रहती है आज की सफारी। बाकी जी हमारी सफारी गाड़ी रेडी है, ऑल सेट। तो आज वैसे रक्षाबंधन भी है, हैप्पी रक्षाबंधन। तो चल रहे हैं आपकी तरफ से होगी। तो ढेला गेट सबसे पहले यहाँ पे परमिट वगैरह चेक होते हैं और उसके बाद एंट्री लेते हैं। ऑल सेट। सबसे पहले ये बारिश भी अभी रुक गई है, तो सर का कवर हटा रहे हैं सब भाई। ओके सचिन जी, तो सचिन जी हमारे गाइड हैं। हमारे गाइड साहब आ गए सचिन जी। आप लोग तो आते रहते होंगे, लेकिन मॉनसून में इस बार हम काफी टाइम के बाद आए हैं, काफी गैप हो गया। थोड़ा सा मानसून सीजन हमारा ऑफ सीजन होता है, इसमें ओनली हमारे 3 जोन ओपन है, 3 जोन क्लोज। जो बेस्ट बेस्ट जोन है सारे क्लोज है। तो ये हमारा 4th नंबर का जोन है, इधर का पार्ट से इस गेट से 2 जोन में एंट्री हो रही है, ढेला और जिन्ना का पार्ट से जो है आगे, आपने देखा ही होगा पहले भी आ चुका है जिन्ना का, हमारा इस टाइम ढेला का पार्ट। तो ये जो फॉरेस्ट है ये मिक्स डिसीडियस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है, नेचुरल हैबिटेट है, एनिमल प्लस होता है, जंगल की सफारी होती है, ठीक है नी। तो आप लोगों ने लेफ्ट राइट दोनों साइड में ध्यान देना है, जहाँ पर भी एनिमल दिखेगा वहाँ पर बिल्कुल साउंड नहीं करना। थोड़ा सा पार्क के अंदर रूल्स होते हैं, जैसे कोई भी रैपर बोतल वगैरह बाहर थ्रो नहीं करनी, गाड़ी से कहीं नीचे नहीं उतरना, स्मोकिंग नहीं, ये पार्क के अंदर के रूल्स होते हैं, इनको फॉलो करना है। अभी ये पक्का रोड चल रहा है, आगे से कच्चा रोड है, किसी भी फॉरेस्ट के अंदर पक्का रोड अलाउड नहीं होता। पहले यहाँ पे गांव था, तो गांव के पर्पज से पक्का रोड बना था, गवर्नमेंट ने गांव को पीछे शिफ्ट कर दिया। तो कॉर्बेट का एरिया है 1288 स्क्वायर किलोमीटर में, बट टूरिस्ट के लिए ऑनली 12% ओपन है, 88% एनिमल्स के लिए रिजर्व है। तो 12% हमारे 6 जोन है, ठीक है नी। मानसून समय में ऑनली 3 जोन ओपन है। तो जो कॉर्बेट में मैमल्स की स्पीसीज है वो 55 है, रेप्टाइल्स की 25 है, बर्ड्स की यहाँ पे 600 है। तो जी बाकी चल रहा है, मौसम बहुत सही। कॉर्बेट में रणथंभौर की टिकट हुई है, नहीं चलेगी रणथंभौर जिम कॉर्बेट। ये सारा हाथियों ने मतलब काफी तोड़ फोड़ मचाई है। तो जी सुबह की सफारी है, मॉर्निंग सफारी, और मौसम भी देखिए अब तो थोड़ा आशा मिली है। वैसे तो रामनगर से निकले थे, हल्की बूंदाबांदी हो ही रही थी, लेकिन अब यह है कि अच्छे से हम सफारी कर पा रहे हैं, बारिश नहीं है, तो जो कि सबसे अच्छी बात है। बाकी मॉनसून में जंगल देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है मॉनसून के टाइम में, पूरी ग्रीनरी वगैरह। और बाकी ये पक्की रोड चल रही है जहाँ पे अक्सर मेल टाइगर की साइटिंग होती है ढेला जोन, और यहाँ हमने मॉनसून में लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी साइटिंग करी थी टाइगर की। तो जी अभी ढेला का ग्रासलैंड भी आने वाला है,
में होते हैं, लेल आपको अकेला देख सकता है, फीमेल सारी गुरु में होती है। तो अभी देखो कितनी ज्यादा यहाँ पे घास हो गई है। इतनी बार ऐसे दिखा दो ना, ऐसे देखेंगे तो अलग साइड। एलिफेंट ग्रास अभी समर में बिल्कुल ब्राउन ग्रास हो जाती है, टाइगर की कैमोफ्लाइज ग्रास हो जाती है। कल इवनिंग सफारी में इसी ग्रास में टाइगर है। बाकी हाथी वगैरह तो देखेंगे बाद में, तो पहले अपन चलते हैं बाकी चीजें। लाल ढांग है ये, उनके खेती के सब लैंड थी, लोग यहाँ पे खेती करते थे एक टाइम में। अब ये ग्रासलैंड है जिसमें हाथी रहना पसंद करता है, खाना पसंद करता है, और साथ में टाइगर छुप के शिकार करना पसंद करता है। तो हाथी वगैरह तो आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे, हम क्लोज भी दिखाएंगे क्योंकि हम ढेला जोन में ही है, तो हाथी तो अभी यहाँ पे है ही, तो मिलेगा हमें अच्छे से। लेकिन अभी हम पूरी टेरिटरी पहले टाइगर की छानेंगे, कहाँ कहाँ पे उम्मीद है वो सब जगह पे जाएंगे और देखते हैं फिर क्या रहता है। तो जी ये खूबसूरती है मॉनसून सीजन की सफारी की। टाइगर का एरिया हुआ यहाँ तो, क्या मस्त मिला था एक बार में भागता हुआ टाइगर सिंगल व्हीकल। तो ये जी जो रुपटा बढ़ता है, नाला बढ़ता है, तो यहाँ से आगे झिड़ना है, तो हमारा पॉइंट यहीं तक है। तो यहाँ जी आउल, ये भी आउल भी दिखे, तो स्पॉटेड आउल। तो जी अब अंदर की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। एक बार एक राउंड तो बनता ही है, थोड़ा बहुत जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखता है। और हाथी की भी मूवमेंट अच्छी है, क्या पता क्लोज में कहीं दिखे फोटोग्राफी पर्पज का। काफी दूर है लगे हैं, मालूम नहीं है।
एक वाटरफॉल भी है जो कि उसका फेवरेट अड्डा भी है। क्योंकि अभी तो हर जगह पानी है और टाइगर कहीं भी पानी पी सकता है, तो ये पूरा पानी आपको दिख रहा है गड्ढों में जमा होगा, नाले हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी ऑप्शन है टाइगर के लिए पानी पीने के लिए। और मौसम भी प्लेजेंट है, तो ये है कि देखते हैं थोड़ा एक राउंड मार के फिर हम मेन ग्रासलैंड की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देंगे। हाथी क्रॉस कर रहे हैं, पास में लगा दो, ठीक है थोड़ा देख लो पास में अगर हो सकता है। उधर को आ रहे हो क्या? रुक जाओ यार थोड़ा। पूरी रोड में इकट्ठा हो गया भाई एक साथ, ये रोड पे चलने जा रहे हैं ना, वन पीछे चल लो ना, थोड़ा चल लो इनको रास्ता दे देते हैं। चले आए थे रोड में, जल स्पेस तो बहुत है हमारे पास, बंद कर दो गाड़ी। लकड़ी उठाए भाई, डंडा डंडे से मारेगा। उधर चले दोनों गाड़ियाँ नहीं मिल रही, आ गए पीछे। अब आ गया भाई बाहुबली, एक ही टच है इसका, सिंगल टच है। ओहो ये तो खतरनाक है, एक दंत पीछे करे, करना ही पड़ेगा। लगा लो रोड पे चल गए ना, तो पीछे वाला तो उसका वेट कर रहा है, किसी जो उसी की वेट कर रहा है, वो आएगा एक घंटा आएगा। तो बंद करना सब हो गाड़ी, जगह दे थोड़ी थोड़ी दबा लो। अब ये कि ये चलना चाह रहे हैं, हम पीछे जाएंगे जहाँ पे वन वे है, वहाँ से रास्ता इनको मिल जाएगा। अब ये शायद अंदर चले जाएंगे, यहाँ से रोड है वन वे की, वरना फिर एक गेट तक ले जाएंगे हमें भाई साहब। अंदर जाएंगे तो अच्छी बात है, जब तक बाकी नहीं आते साथी तब तक ही जाने का मन लगा।
जो अभी टस्कर है, एक दांत वो भी आगे से वेट कर रहा है, और पीछे देखो बाइक भी लगी, भाई फॉरेस्ट वाले भी, और उसके सामने चिड़िया जैसी लग रही है। पत्ते किसी भी हिम्मत नहीं, ना कोई जा सकता है ना कोई जा सकता है। इसको पसंद वही बेल आ रही है जो नहीं सोचते जाना जाए पीछे कर लो तो जी ये है कि थोड़ा सा और दूर कर दिया मैं बैक फ्रंट पे, और आगे से जब तक वो डस्ट करनी आएगा तब तक ही नहीं जाएगी। तो जी रास्ते बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हम हाथी को छोड़ के जा रहे हैं। तो जी आज हाथी इतना चल रहा था कि हमें वापस लौटना पड़ा, और अभी हम अंदर एंट्री मारने की कोशिश करेंगे ग्रासलैंड साइड में, लेकिन उसके लिए हमें आगे से जाना पड़ेगा एकदम गेट के पास से। तो थोड़ा सा लंबा रूट है, लेकिन देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो हम पहुँचे हैं गेट में, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर से। तो इसके पास ही यहाँ का FRH भी है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो कि गेट के एकदम पास है। यहाँ गेस्ट हाउस। तो सागर जी, ये जो टस्कर आती है उसका ये झुंड के साथ रहने का कारण क्या रहता होगा? आजकल ये गुरुपी बहुत दिनों से, मतलब कम से कम 10-12 दिन से इसी ग्रासलैंड में ये गुरुपी के साथ चलता। अच्छा, मेटिंग सीजन तो नहीं है। हाँ वही मेटिंग सीजन है नहीं आजकल, और वो बच्चों का भी वेट कर रहे हैं। क्या हो सकता है ये इसी फैमिली का रहा हो पहले, दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हो? ऐसे करते तो नहीं है हाथी ज्वाइन है दोबारा? हाथी करते नहीं, ये तो अभी क्या बोलते कुछ समय, कुछ टाइम में अलग भी हो रहा है। लोगों ने समझ गए उस समय, ये ठीक है तीन में चलो चलो, उस समय क्या है ये मतलब अलग भी चले जा रहा है। तो ये मतलब ग्रुप के साथ मिल रहा है, एक रेयर अपवाद हो गया, मतलब कि काफी रेयर देखा जाता है ऐसे। क्यों यहाँ पे दो मेल टाइगर एक साथ दिख जा रहे हैं? हाँ मेल टाइगर बड़े, वो भी बड़े। अब कई चीजें चेंज होने लग गए एनवायरमेंट के हिसाब से। अच्छा जी, वो भाई है दोनों भाई है। होने को भाई है, लेकिन तब भी 3 साल से बड़े रहते नहीं है अक्सर। क्योंकि जो हाथी का ग्रुप होता है ना, उसकी मुखिया होती है हाथनी, और हाथनी भी नानी या दादी, मतलब जो सबसे सीनियर होती है। इनके ग्रुप लीडर। तो जो ये बाइक आ रही है, दूध वाले का गुज्जर है, ये फाटो साइड से आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा आने जाने के लिए दी है, मतलब परमिटेड है, तब भी भाई मानना पड़ेगा यार। इनके पास दूध सप्लाई करने के लिए रोड नहीं है। अच्छा, इनके साथ भी काफी मतलब केसेस हो जाते हैं। हां मित्र है, वन गुज्जर, वन गुज्जर का ही वन मित्र भी है। हां ये मतलब अभी इनके दे रहते हैं, उनका वो भी पता है ना इस बारे में। अभी आपने सुना होगा कि एक असगर पकड़ा गया है इनके। हाँ काफी बड़ा था, लेकिन उन्होंने मतलब शिकायत की। पकड़ा मतलब वो घर पे? हाँ मतलब घर के आसपास घूम रहा। अच्छा हाँ, कितने फीट का होगा ये? फीट तो कम से कम मतलब 18-20 के समथिंग, 800 क्विंटल का बता रहे। तो डेरे का नाम क्या हुआ इनका? गुज्जर बस्ती। गुज्जर बस्ती बोल। हाँ
अच्छा यूपी की तरफ से। अब लेकिन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनने रोक लगाई कि वन गुज्जर जहाँ पे वहीं रहेंगे अभी। सुप्रीम कोर्ट से मतलब स्टे है अभी। उत्तराखंड में पहले ही शिफ्ट कर दिए थे। अच्छा उत्तराखंड से पहले ही शिफ्ट कर दिए थे यूपी के कुछ गांव में। तो बारिश भी आने लग गई यार। अभी हम जंगल से आए भाई, पहले हमें ये करना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा। लो पकड़ो एक और आगे यहाँ लगाना है। एक मिनट तो अभी बारिश से बचने का सिस्टम। आज हो रही है असली मानसून सफारी। देखो बाहर का नजारा। भाई अंदर के भीगने लग गए यार। तो ये है जी जिम कॉर्बेट की मॉनसून सफारी फुल ऑफ बारिश। भाई तुम्हारा भाई तो एकदम पूरा भीग गया है यार। ये देखो साइड से पूरा पानी आ रहा है पूरा। क्या करे ये जल्द रोको। हाँ जैसे सही लगे। इतनी बारिश हो रही है लेकिन देखो जंगल में घूमते हुए अभी भी लोगों की आस ये है कि एक बार दर्शन हो जाए महाराज के। लेकिन यह है कि अभी तक का कुल मिला के ना बहुत बढ़िया साइटिंग रही। हाथी बहुत अच्छे दिखे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के पर्पज से। तो जी ये है फिट सीन और बाकी बारिश में। वैसे हमारा था तो सीन ये था कि हम मेन रोड पे वेट करेंगे, टाइम वहीं देंगे, लेकिन हाथी काफ़ी ज़्यादा थे तो हम फिर इस रास्ते से जंगल के अंदर से अभी फिर से मेन रोड जाएंगे। तो जहाँ से हाथी होंगे ना उसके बाद हम कहीं पे निकलेंगे। अब भाई हम पहुंचे मेन रोड में। यहाँ से अब हाथी शायद वहाँ से राइट पे है। अब हम आ गए उस साइड जो हाथी का एरिया था उससे आगे लेफ्ट साइड। तो जी अब पहुंच चुके हैं हम ग्रासलैंड के एरिया में और यहाँ देखिए बारिश भी थोड़ी सी कम है और बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और यहाँ हिरन काफी बढ़िया लग रहे हैं। हम बस से आ रहे, एक बार अलार्म कॉल मिल रहा है। हम तो ये भी नहीं कह रहे टाइगर दिख जाए, अलार्म कॉल दिख सुनने को मिल जाए बस फिर होगी असली सर्चिंग। तो ये झरना जोन से सफारी गाड़ी आ रही है और यहाँ पे जैकॉल था। कहाँ की तरफ पहाड़ चलेगी क्या? और देखो बारिश भी चल रही है और यहाँ अब खड़े भी हो गए। डर का ऐसे बात है।
कल दर्द तो बहुत है। ये साइड से पार करना चाह रहा हूँ लेकिन वहाँ पर बाकी और भी जगह है फैमिली उसकी। ये है फ्रैंकलिन काला तीतर ब्लैक फ्रैंकलिन है वो ने भी ब्लैक फ्रैंकलिन यहाँ पे है एक ब्लैक शोल्डर व्हाइट काइट लेकिन थोड़ा सा अच्छा एंगल नहीं मिल पा रहा है। जी अभी वन विभाग के एक व्यक्ति मिले जो कि कालागढ़ जाना चाह रहे थे लेकिन ये रिवर पार न करने से वापस जाना पड़ा उन्हें क्योंकि उसके आगे भी दो तीन नाले और आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ऊपर से बाइक में अकेले बिना किसी हथियार के ना सेफ्टी सफारी हो जाती है यहाँ पे समाप्त। यहाँ से राइट साइड में आ जाते हैं ढेला गांव। आप यहाँ देखो रफ्टे में कितना पानी आता है। तो जी ये है कि सफारी हमारी समाप्त हो गई है और आ गए हम क्योंकि बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। दो तीन बार तो लगातार ऐसी बारिश हुई ना मज़ा ही आ गया लेकिन सफारी भी अच्छी रही काफ़ी ज़्यादा भीग भी गए। साबू भाई भी अभी चले गए हैं। तो ये हमारे सिस्टर्स कैसी रही जी सफारी? बहुत बढ़िया। टाइगर रह गया बाकी तो टाइगर रह गया अगली बार वो भी हो जाएगा कहा आप बताइए जी। बस हैप्पी बहुत अच्छे शॉट मिले। मैंने पहली बार आज एक दांत वाले हाथी को क्लिक किया और ये अच्छी चीज है कि गणेश चतुर्थी भी आ रही है। ये बात तो है। खतरे जी आप बताइए। बहुत शानदार है तो हमें तो एक दांत वाला मिला है पहले याद है समय भी आया था तब वो नहाते हुए खींचा था हमने वाटर वाटर पे। हाँ बहुत शानदार है। मानसून सफारी करने की बहुत इच्छा हो रही थी। बहुत इच्छा हो रही थी अभी है और मन कर रहा है नहीं दोबारा। ये चीज तो मिलती रहती है कभी कभी छह सफारी भी नहीं मिलता टाइगर नहीं ये एक्टिविटी में नहीं मिलती ना जैसे हाथी वाती है इतने अच्छे खासा शॉट्स अच्छे मिले हैं। हाँ। तुमको देखा ना हाँ। तो जैसे मस्ती वो कर रहे थे तो देखने बड़ा मजा आया। ये बात तो सही है। जयकाल दिखा चलो फिर सही बात है। तो चलते हैं ब्लॉग को क्लोज करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तब तक बाय बाय टेक केयर बी सेफ सेफ एनिमल बाय।